फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच लाइफस्टाइल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। दिस व्लॉग इज अबाउट करवा चौथ सेलिब्रेशन। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करवा चौथ का ये त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सूर्य उदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। आज के दिन सुहागने अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं, सज धज के तैयार होती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत करने का विधान है। अपने हाथों में चूड़ियां सजाए, माथे पर अपने सिंदूर लगाए, निकली हर सुहागन चांद के इंतजार में, रब उनकी हर मनोकामना पूरी करे। करवा चौथ का ये त्योहार आए और लाए खुशियां हजार, यही है दुआ हमारी, सलामत रहे आप और आपका परिवार। करवा चौथ का ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरी की मूर्तियों की पूजा विधि और विधान से एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल लेके की जाती है। सुहागिन स्त्री सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, शीशा, कंघी, रिबन और रुपए रखकर किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करती हैं। ये है आज का मेरा मेकअप लुक। करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र उदय के बाद चंद्र दर्शन करके व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शाम के समय विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद व्रत कथा सुनाना बेहद अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है इस कथा को पढ़ने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत दी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने में वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं, और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करते हैं उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसके भाई सच्चाई से अवगत कराते हैं और ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का गलत तरीके से पूछने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया।
सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व में उन्हें पुनर्जीवन मिलाकर रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उड़ने वाली सूर्यनामा भास को वह एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभी करवा चौथ का भाभियां कभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आई तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा भी उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी से बताती है क्योंकि छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, चीर कर उसने अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश मांगो। इस प्रकार करवा को जिस सुहागिन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागिनों को मिलेगा। और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है, जो कुछ तूने मांग लिया वह सदा सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। करवा चौथ का पावन व्रत आपके लिए मैंने है किया, क्योंकि आप ही के प्रेम और सम्मान ने जीवन को मेरे नया रंग है दिया। So guys, I hope you liked my today's video. Do let me know in the comment section below. I'll see you guys soon with one more interesting video. Till then, bye bye.